सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, गणपति सीजन बहुत प्यारा गया। आप लोगों ने वीडियोज भी देखे होंगे मेरे चैनल पे। और उसके बाद लॉन्ग वीकेंड था तो थोड़ा रेस्ट किया। नाउ आई एम बैक टू वर्क। और आज जा रहा हूँ एक ऐसे रिसोर्ट पे जो घिरा हुआ है वाटरफॉल से, और मतलब उस रिसोर्ट के जस्ट बाजू में भी एक वाटरफॉल है। तो ये रिसोर्ट बहुत प्यारा होने वाला है और आप लोग एंड तक इस वीडियो में बने रहना, मैं आपको बहुत अच्छी जगह दिखाने वाला हूँ। ये स्टेकेशन मुंबई से कुछ घंटे, आई थिंक अराउंड 2.5 आवर्स की दूरी पे है। इट्स बिटवीन पुणे एंड मुंबई, मुलशी में आता है। बहुत प्यारी जगह है, बहुत ज्यादा प्यारी जगह है। तो वीडियो प्लीज एंड तक देखना। तो मैं भी आधे रास्ते में पहुंचा हूँ, ज़्यादा आगे नहीं गया, पसीने सबको पता चल चुका होगा। बट जैसा आप सबको मालूम है, मेरे पास ईवी गाड़ी है। और ईवी गाड़ी को लेके एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है कि चार्जिंग स्टेशन ढूंढना, और अगर चार्जिंग स्टेशन काम ना करे तो और चार्जिंग स्टेशन ढूंढना। तो आज फर्स्ट टाइम मैं अपनी गाड़ी MG की, मेरी टाटा की गाड़ी, टाटा नेक्सॉन ईवी, और मैं MG की उस पर चार्ज कर रहा हूँ। बिकॉज टाटा वालों का चार्जिंग स्टेशन चल ही नहीं रहा है। मतलब ऐसा उन्होंने डाला भी नहीं कि नहीं चल रहे, वर्किंग है बट इट्स नॉट वर्किंग। मतलब वर्किंग दिखा करके भी इट्स नॉट वर्किंग। मतलब इतना दिमाग खराब, ये वेस्टेड लाइक अराउंड 45 मिनट्स ओवर देयर। फिर अभी यहाँ पे चलो फाइनली हमको MG में जाके चार्जिंग मिला। अब यहाँ पे 1 घंटा ये चार्ज होगा, देन वील मूव फॉरवर्ड। शाम तो यहीं होने वाली है, अब देखते क्या सीन है। बट आधी जान यहीं ख़त्म हो गई मेरी। बट स्टिल तो प्रॉपर्टी का वेट है, हम लोग हैं वहाँ पे। उस प्रॉपर्टी में हम लोग कल चेकआउट करेंगे, तो है। तो मैं वो प्रॉपर्टी आपको इन डिटेल पूरी अच्छी तरीके से दिखाने वाला हूँ, उसका नेचर भी दिखाने वाला हूँ। बट मैंने सोचा अपना स्ट्रगल दिखा दूँ कि ये मेरा स्ट्रगल है, दिस इज़ माई स्ट्रगल, कि भाई गाड़ी चार्ज करना कितना बड़ा स्ट्रगल है अगर आपको ईवी में चार्जिंग ना मिले, मतलब चार्जिंग पॉइंट ना मिले। तो बस ठीक है, ये सही है, चार्ज करते हैं, 1 घंटा लेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम लोग 5 घंटे का सफ़र करके, जिसमें हम लोगों ने चार्जिंग भी किया, बहुत कुछ टाइम पास भी किया, चार्जिंग काम नहीं करा था, तो फाइनली हम लोग अपने प्रॉपर्टी पे पहुंच गए, द ब्लू बेला रिसोर्ट। ये प्रॉपर्टी रात में तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मतलब इसका एम्बियंस कुछ दिखेगा नहीं, पूरा अंधेरा हो चुका है। आप देख सकते हो पूरा अंधेरा है। मैं आपको सिर्फ कैफे एरिया दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूँ, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि पूरा जंगल है और कुछ नहीं दिखेगा। तो आपको सुबह ही दिखेगा, बट सुबह बहुत अच्छा व्यू होने वाला है। और मेरे को अभी स्टे अगर मिल जाता है, अभी जो मेरे को ग्लैम अलॉट होगा उसके हिसाब से मैं आपको स्टे वो दिखा दूंगा। बट प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, वाइब बहुत अच्छा है। मेरे को रिवर का साउंड आ रहा है, अब वो मेरे को देखना है कल सुबह जा करके। अभी तो कुछ नहीं दिखेगा, अभी हम लोग खाएंगे पियेंगे, थोड़ा रिलैक्स करते, थक गए थोड़ा। बट मैं आपको अभी कैफे दिखाता हूँ, जो इनका डाइनिंग एरिया बहुत प्यारा है। ये देखो, ये इनका कैफे एरिया है, यहाँ फ्लाइज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। ये द ब्लू बेला रिसोर्ट का बोर्ड है, दिस इज द ब्लू बेला। आई थिंक यहाँ पे लोग शोज एंड ऑल करते हैं, मतलब कैरियोके नाइट्स एंड ऑल, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा एरिया ये देखो, दिस इज ब्लू बेला रिसोर्ट का कैफे एरिया। और यहाँ पे ग्लैम्स एंड ऑल वो नीचे लगे हुए हैं, वहाँ पे देख सकते हैं आप, वो ग्लैम्स है सारे। अब हमको अलॉट कौन सा होने वाला है वो मेरे को जैसे अलॉट हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ, तो तब तक चलो। मैं इतना भूखा था कि आप लोगों को दिखाया नहीं कि हमको मिला क्या क्या खाने के लिए। दिस वी हैव, टेस्ट बहुत अच्छा है, पता नहीं क्या बोलते हैं। वी हैव दिस ऑल्सो, वी हैव दिस पेरी पेरी फ्लाइज ऑल्सो। और मैं बहुत भूखा हूँ, तो मैं आँख बंद करके सिर्फ खाने का काम किया, अभी वापस खाने जा रहा हूँ। तो हमको हमारा टेंट अलॉट हो चुका है। ओह, मैं आपको अपना टेंट दिखाता हूँ फटाफट से। तो बहुत एक्साइटेड क्यों हूँ, क्योंकि टेंट सुना था बहुत सही टेंट है। और ये देखो सीरियस, ये टेंट अंधेरा है, थोड़ा नहीं दिख रहा है, बट ये टेंट है। दिस इज़ आर हैंगिंग एरिया, टेंट से व्यू कुछ ऐसा है, मतलब बहुत अच्छा व्यू है। ये सब, ये व्यू मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा, वाटरफॉल का व्यू है। ये देखो, दिस इज़ आर टेंट। वाह, काफ़ी सही यार, वाह। ये हमारा आज का स्टे है गाइस, नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल। सही यार, यू हैव दैट मिरर, यू हैव कूलर, जैसे कूलर की ज़रूरत नहीं है, वेदर बहुत अच्छा है।
ये देखो काफ़ी प्यारा डिज़ाइन, काफ़ी प्यारा। आई थिंक वी डोंट हैव वॉशरूम इन साइड, वॉशरूम बाहर है, वॉशरूम अपने बगैर बाहर ही है, और मैंने आगे है वहाँ पे वो दिखते हैं, बट स्टे काफ़ी सही है, अच्छा है, प्रीमियम टेंट है, बहुत अच्छा टेंट है। बट फ्लाइज मेरे को दिख रहे हैं, तो आई थिंक फ्लाइज हमको लाइट बंद करने के बाद ही फ्लाइज जाएंगे। तो ये हमारा स्टे, बाकी यहाँ से जो व्यू है वो मैं आपको कल सुबह दिखाने वाला हूँ। तो चलो अभी स्नैक्स खाते हैं यार, भूख लगी है काफ़ी, स्नैक्स खाते हैं, चलो। पनीर, अपना पापड़, चिकन, ये रोटी, सैलेड, चिकन आई एम नॉट ईटिंग एंड जैसे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, मतलब परफेक्ट सीन, खाना खाओ ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, देखो पिक्चर देखो। तो अपना डिनर हो चुका है, अब है टाइम सोने का, क्योंकि हमको कल सुबह उठ के शूट्स करने हैं, क्योंकि हमने आज शूट नहीं किया, हम लोग लाइट डाउन होने के बाद आए हैं, तो मस्त सा शूट करेंगे कल। तो अभी सोते हैं और आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, बिकॉज इट्स अ जंगल प्रॉपर्टी। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। तो नींद हो गई है, अच्छे से सोया, बट अभी थोड़ा क्या है कि धूप आने लग गया है, उस वजह से टेंट गर्म हो रहा है, तो ज़्यादा हो गया, तो हमने सोचा चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। बट मैं आपको व्यू दिखाऊं, ये हमारा टेंट का एंट्रेंस है जी, और व्यू देखो आप लोग, वाटरफॉल दिख रहा है आपको, यहाँ से छोटा सा पानी यहाँ से आ रही है, ये व्यू है, ये जंगल ही जंगल है पूरा, पीछे भी जंगल ही जंगल है, पहाड़ जंगल देखो, मतलब हम लोग रात भर जंगल में सोए थे, ये पूरी प्रॉपर्टी इन्होंने जंगल में बनाई है, मज़ेदार मज़ेदार प्रॉपर्टी है। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर अपने एक पूरा प्रॉपर्टी टूर देता हूँ, चलो। सो माई ब्रेकफास्ट इज योर ऑमलेट एंड फ्रूट्स। अभी एक्चुअली सीन क्या है ना, थोड़ा हेल्दी खाना चाहिए, और बाहर ट्रैवल कर रहे तो वैसे भी ट्रैवल करते टाइम खाने की बड़ी दुविधा है, तो खाते थोड़ा, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी टूर दूंगा। तो अभी टाइम हो चुका है अपना प्रॉपर्टी टूर को शुरू करने का, मैं आपको दिखाता हूँ अपना ब्लू बेलर रिसॉर्ट प्रॉपर्टी। ये एंट्रेंस है, मुल्शी हिल्स आगरी टूरिज्म ब्लू बेलर रिसॉर्ट, वहाँ मेरी गाड़ी पार्क्ड है, अभी हमको अंदर जाना है। ओ भाई साहब, ठीक है, ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, एंड देन यहाँ पे देर असम प्लेसेस, ये ट्री के ऊपर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको रिवर क्रॉसिंग करने का बनाया हुआ, बच्चे कर सकते हैं, आपको दिखाता हूँ। वे टू वाटरफॉल, वो तो आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया, मेरे रूम से व्यू था। ये यहाँ पे थोड़े बड़े बहुत एक्टिविटीज़ करने को है, हालांकि ये बंद लग रहा है मेरे को, अभी बंद है ये बंद है, बट यहाँ से ग्लैम्पिंग टेंट्स इनके शुरू हो जा रहे हैं, ये टेंट्स इनके शुरू हो जा रहे हैं। मैं आपको टेंट खुलवाता हूँ और एक एक करके टेंट के अंदर दिखाता हूँ, मैं अपना टेंट तो आपको दिखा दिया था रात वाला, मैं आपको दूसरे भी टेंट दिखाता हूँ, आपको ऑप्शंस कैसे कैसे हैं। ये देखो लाइन से टेंट है, द ब्लू बेलर रिसॉर्ट, ये लाइन से टेंट्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो बैक टू बैक। तो अभी टेंट खुलवाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने अभी टेंट्स खुलवाए हैं यहाँ के प्रॉपर्टी मैनेजर को बोल करके, यहाँ पे रॉयल ब्लू मून है और रेड मून है, और ये है नॉर्मल एवरेज टेंट, ऊपर है प्रीमियम वाले, ठीक है। तो मैं अभी आपको एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट कराता हूँ, ये वाले आपको टेंट दिखाता हूँ, ये है ब्लू मून, ये देखो रॉयल ब्लू मून टिपी। अब इसके अंदर चलते हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि रात में इसका बहुत ज़्यादा लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, और ये है डे व्यू। यार काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी कोजी लग रहा है, तो कितना छोटा सा प्यारा सा टेंट है, एंड द वाइब इज ऑल्सो प्रिटी कूल ओवर हियर, ये ग्रीनरी, ये ब्रांचेस, दीज लाइट्स, डिम लाइट्स, बहुत अच्छा लग रहा है, वाह, परफेक्ट फॉर टू पीपल। और यहाँ पे स्पेस है, अगर आप ग्रुप्स के साथ आ रहे हो तो आप, ये लोग एक्स्ट्रा मैट्रेस भी लगा के देते हैं, तो ये इनका नॉर्मल वाला टेंट है, मतलब जो इनका स्टार्टिंग
स्टार्टिंग प्राइस है यहाँ पे। अभी हम लोग चलते हैं अपना रेड मून देखते हैं। ये था ब्लू मून, अब रेड मून जाते हैं हम लोग। रेड मून जस्ट पीछे ही अपने, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दिस इज रेड मून, चलो इसके अंदर जाते हैं हम लोग। दिस इज रेड मून गाइस, वाओ ये तो काफ़ी सही दिख रहा है। इसका प्रीमियम वाला ऊपर है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इन्होंने अंदर कूलर भी दिया हुआ है, यू हैव प्लग पॉइंट्स ओवर हियर। दीज ब्रांचेज आर लुकिंग प्रिटी कूल यार, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और ये है इनका रेड मून, सही है ना? तो ब्रांचेज वाला जो डिज़ाइन लिया है ना इन लोगों ने, बहुत सही लग रहा है, बहुत एस्थेटिक लग रहा है। और इसकी वजह से मतलब जो वाइब है ना टेंट की पूरी बदल गई है। वो नॉर्मल ग्लैम्पिंग टेंट्स नहीं है जो एकदम से बेड दे देते हैं और वो सब दे देते हैं, वैसा नहीं है। ये काफ़ी एस्थेटिक है, बहुत प्यारा है। एंड इफ यू आर कमिंग तो आपके पिक्चर्स एंड ऑल आपका मतलब एक वाइब ही पूरा डिफरेंट हो जाता है। अब रेड मून का ये एक प्रीमियम प्रॉपर्टी है। मैंने ब्लू मून का तो आपको दिखा दिया था, जो हम लोग जहाँ पे रुके थे आपको मैंने नाइट व्यू दिखाया था, पूरा प्रॉपर्टी तब प्रॉपर दिखा दिया था एस्थेटिक कैसा है। अब मैं आपको रेड मून का प्रीमियम टेंट दिखाता हूँ, इसका एक ऊपर का वर्जन। चलो फटाफट ऊपर जाते हैं। इट्स टाइम फॉर अस टू पैक अप और हम निकल रहे हैं अभी घर के लिए। हो गया हमारे इस प्रॉपर्टी से टाटा बाय बाय। ये हमारा जो रूम था, कॉटेज था, हम इसको अभी अलविदा कह रहे हैं और हम निकल रहे हैं। लास्ट वाला कॉटेज नहीं मिला तो मैंने नहीं देखा, बट आई थिंक मैंने आपको काफ़ी टेंट्स दिखा दिए इनके एग्जाम्पल के लिए और आपको पता चल गया होगा कितना ब्यूटीफुल जगह है ये। तो ऐसे ही स्टेकेशन में आगे और दिखाता रहूँगा और मोस्टली फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में आई माइट गो ऑन अ ट्रिप, तो इसका अपडेट मैं आपको देता हूँ, बहुत जल्दी मिलेगा आपको इसका अपडेट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ये ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करना, इनको स्टेकेशन जो अच्छा स्टेकेशन सोच रहे अपने फैमिली के साथ प्लान करने का, तो उनको भी पता चलेगा कि ऐसी भी जगह है करके। बाय गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।